आप सब जाने जो सा कि आंवला अपने सेहत वास्ते बहुत फायदेमंद होया करे। इस वास्ते मैं आज आपने इन वीडियो रे मैंने आंवला री दो तरह रेसिपी बनावनी बताऊला। आपने किसी रेसिपी अच्छी लगी वो मैंने कमेंट करने जरूर बताई जाओ। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। तो पदार माई रसोई रमाइने अपा आंवला की रेसिपी बनावनी शुरू करा। इन्हें वास्ते अपा 15 आंवला लिया हाँ जिसका वजन रमाइन लगभग 500 ग्राम है। इन्हें बाउल रो वजन में अलग कर लियो हो आंवला आंवला और वजन लगभग अपना 500 ग्राम है। इन्हें आंवला रमाइन अपना दो रेसिपी बनान तैयार करनी है। इस वास्ते मैं इन माइनू 5 आंवला निकाल ले पहले लियो पहले रमाइन 5 आंवला अलग कर लेवा। इन्हें साइड में रख दे अपा इन आंवला अब अपा पहली रेसिपी बनावनी शुरू करा। इस वास्ते इन आंवला ने अपा कद्दूकस कर ला। तो कद्दूकस करने वास्ते आप बड़ो कद्दूकस ले सको और मीडियम कद्दूकस भी ले सको। मई वाला कद्दूकस ले ला तो आप करण नमा माथा फूड़ी वाला इंत्र हो पाने बराबर चलाओ तो कद्दूकस हो जाओ इजीली लारा पाने गुटली रहे के जिन्हें अलग कर ली मैं इन थोड़ा थोड़ा घुमाता रहे उन्होंने इजीली कद्दूकस हो जाओ माए ने गुटली वेला के बट अटक जा वाला वास्ते इन्हें घुमाता रहे उन्होंने। यूँ तो आप चाहो तो बॉयल करने ही बना सको पर बॉयल करने बनाओ जिन भी जब कद्दूकस करने बनाओ के तो बहुत अच्छा बने ला आप इन तरह अपा सब आंवला ने कद्दूकस करने तैयार कर लिया। तो देखो इन्हें लच्छा अलग अलग हो गया आप पिसोला तो कटे कटे के एक बड़ी बड़ी घाटा वजू रह जाला। इस वास्ते अपने कद्दूकस करना तैयार करना था एक सीरी का लच्छा निकला ला अबे इन्हें अपा साइड में रख दे वहाँ और एक डाल रहे मैंने अपा एक टी स्पून वजह तो घी डाल दें आप चाहो तो तेल भी डाल सको इनमें ज़्यादा घी नहीं लाग गया करे और कम घी में बनना तैयार हो जाए। भाई घी अपना गर्म हो गया है भाई इन मैंने अपा पाव छोटा चम्मच वजह हींग डाल दें और आधा छोटा चम्मच वजह थी कलौंजी डाल दें आधा छोटा चम्मच वह जितने अपना सौंप डाल देवा इन सबा ने अपना अच्छा पका लेवा। बस अपन सौंप ने कलौंजी पके तो ही अपन घी डालना है ज़्यादा घी डालने की जरूरत नहीं अपन। आ बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है और सब अच्छा फायदा है कि मैं कम घी तेल में बनना तैयार हुआ है आंवला अपना बहुत ही फायदा करिया करे शरीर वास्ते। अब देखो सौंप भी अच्छी पक गई है कलौंजी भी पक गई है अब इन मैंने अपना आंवला डाल देवा। आंवला अच्छी तरह मिक्स कर लिया वहीं तरह अबे आँच धीरे करने आप 2 मिनट वास्ते ढकना पका ले 2 मिनट में आंवला काफ़ी सॉफ्ट हो जाए वाला। अबे 2 मिनट तक अपा पका लिया हाँ तो इन्हें खोलना देख ला देखो 2 मिनट में काफ़ी सॉफ्ट हो गया है पर थोड़ा सा कहीं अपा ने और पकावना पड़ेगा हाल तक कच्चा है एडा ट्रांसपेरेंट दिखन डूब जावे क्या ट्रांसल्यूशन दिखन डूब जावे क्या जिता पकावना है तो पूरा एडा होया नहीं है थोड़ा सा पाया कहीं मिक्स कर दे अच्छी तरह काफ़ी मन पानी भी छूटना शुरू हो गया देखो काफ़ी कलर चेंज हो जाए डूब गया है तो थोड़ा कलर चेंज हो जाए वाला है इन्हें अपा अच्छी तरह जो मिक्स कर ले वहाँ मिक्स कर रहा पचा इन मैंने अपा आधा छोटा चम्मच वजह नमक डाल दे आधा छोटा चम्मच वजते काला नमक डाल दे नमक डालने से कहीं आंवला रहा पानी छूट जा वाला ना आंवला अपना जल्दी पक जा वाला इन तरह सब ने अपा मिक्स करना ढक्कन लगाना 2-3 मिनट वास्ते और रख दे अब इन पकाता ना अपना 2-3 मिनट हो गया है एक वाला खोलना देख लें अपा देखो अब कलर भी दिख रही है आपने क्या काफ़ी सॉफ्ट हो गया दे इन तरह सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब मैं इनमें अपना गुड़ डाल दे अब मैं 400 ग्राम गुड़ लिए हुआ गुड़ ने कद ही आप कूट ने डाल दो नहीं तो चक्कू इन तरह कतर ने डाल दीजिए देख मैं चक्कू करी हूँ मैं अलग अलग इन तरह करने डाल वाला गुड़ का जल्दी गल जा वाला बड़ी बड़ी घाटा नहीं रहनी चाहिए गुड़ रही पर 400 ग्राम ही आंवला कुल मिला नहीं हो तो आंवला 500 ग्राम लिया आप इनमें अपा 100 ग्राम अपर निकाल दिया तो 400 ग्राम आंवला में 400 ग्राम गुड़ लिए होना आप चाहो तो शक्कर भी ले सको शक्कर भी आप बन जाओ वेला पर गुड़ थोड़ा हेल्दी बनना तैयार वेला मैं सर्दी मौसम रमाने गुड़ थोड़ा खावना अच्छा भी रहे हेल्थ रहे वास्ते तो धीरे धीरे अपन आँच रखनी इन टाइम रहा तेज आँच नहीं करनी देखो दिखण में कि तो अच्छा लाग रही है बार थोड़ी देर इन पानी छूट जाए वेला अब इन माँ तो अपन ढक्कन लगाने जरूरत नहीं है गुड़ कोई डलियाँ हुआ तो इन तरह अपने दबा दबा तोड़ लिया गुड़ ने आप मई कूट ने डाल जाओ और ध्यान रख जाओ बड़ो बड़ो नहीं होना चाहिए आप देख रहे हो धीरे धीरे देखो गुड़ इन मैंने पूरा गल रही है पानी डालने की जरूरत नहीं है अपन आंवला रे पानी जो गल जाया करे देखो लगभग पूरा गुड़ है इन मैंने गल गया है गलिया रे पता बहुत ज़्यादा नहीं पका वाला अब दूसरी चीज़ें इन मैंने मिक्स कर लिया तो आधा छोटा चम्मच वजह तो अपना भुनियोड़ो जीरो डाल दी आधा छोटा चम्मच वजह तो इन मैंने पा काली मिर्ची डाल दी एक छोटा चम्मच वजह थी इन मैंने पा लाल मिर्ची डाल दी और पाव छोटा चम्मच वजह थी मैंने पा हल्दी डाल दी हल्दी पे अपना शरीर वास्ते गुणकारी होया करे तो थोड़ी सी हल्दी डाल दिया इन मैंने अब भाई इन मैंने अपना 8-10 काजू लिया जो छोटा छोटा टुकड़ा रमाने कर लिया इन तरह यह भी मैं डालती हूँ दुकान ने मैंने कहा अच्छा लगे ना खाउन में ही स्वादिष्ट लगे ना अब भाई इन मैंने अपना 25-30 बजे थी किशमिश डाल दी किशमिश नहीं अपना मिक्स कर लिया इन्हों भी टेस्ट इन मैंने बहुत अच्छा आ जाए अभी भीन जा वाला इन मैंने
खाऊ में बहुत स्वादिष्ट लगे। लास्ट टाइम इन मैंने आधा छोटा चम्मच हुए तो गर्म मसाला डाल दिया। आप आंवला की खट्टी मिट्टी चटनी बनना तैयार हो गई है। गैस तो बंद कर दे। आप इन्हें आंवला की चटनी कह सको, आप इन्हें आंवला चूंदो कह सको, आप इन्हें आंवला की लांजी भी कह सको, पर खाउंड मैंने बहुत ही स्वादिष्ट ला गया करें। इन तरह बनाने आप ठंडो है अरे पचे बोटल मैंने भरना रख दो ला तो फ्रिजरे बारे रखो ला तो 15-20 दिन भी खराब नहीं होगा, और फ्रिजरे मायने रखो ला तो 2 महीना भी खराब नहीं होगा। वो आपने ध्यान रखना है गुड़ गलिया पचे आपने 2 मिनट बतो नहीं पकाना है, 2 मिनट रे मायने अपन बंद कर देना, क्योंकि धीरे धीरे क्या गाढ़ी और ज़्यादा हो जाया करे। बहुत ज़्यादा पका लो तो एकदम हार्ड हो जाए वाला तो खाउंड में अच्छी नहीं लगेगा। इस वास्ते गुड़ अपना कूटना घालना है। इन तरह देखो लग लग ही रखनी है थोड़ी देर, आप देखो ला कि ना के थोड़ा टाइट हो जाए वाला तो जैम बेकजिन टाइप हो जाया करे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना पानी। तो इन तरह बनाने आप पूड़ी पराठा रोटी किन्हीं साथ भी खाओला तो बहुत अच्छी लगे। बच्चा ना तो भले कोरो खाना भी अच्छा लाग जाए, नहीं आप जानो ही जाओ कर आंवला सेहतमंद होया करे तो बच्चा चाहे कोरा खाओ तो ही फायदा बन दीजिए। इन तरह अपने पहली रेसिपी बनना तैयार हो गई है। अबे आप दूसरी रेसिपी बनावनी शुरू करें तो उन वास्ते जिका 5 आंवला आप लिया हाँ, अब इन आंवला रहा पकई है इन तरह कलियाँ निकाल दी वहाँ, तो चक्कू यू कर इजीली कलियाँ निकल जाता। देखो पतली पतली कलियाँ निकाल दें, देखो थोड़ा सा आप जोर लगा लें इन तरह अपन कलियाँ अलग हो जाए। पहली कली थोड़ी दूर ही निकला ला, उन बाद में तो फटाफट कलियाँ निकल जाते। देखो यू हल्को सा दबाव लागते कलियाँ निकल जाए, बस थोड़ा सा पानी देख कर हल्को से यू कर ला निकल जा ला कली। आप चाहो तो नहीं तो काटना भी निकाल सकते, मैं आपने बताऊ कि कर काटना निकालना है। आवड़ा नहीं इंतरो आप काट लो इजीली कट जाओ आवड़ा, इंतरो आप काटना निकाल लो चक्कू काट लें। इंतर जो तरीका आपने अच्छा लगे उन हिसाब आप काटना तैयार कर सको। इन तरह अपन सब आंवला री कलियाँ निकाल दिया, देखा बहुत अच्छी तरह कलियाँ निकल गई। अब इन आंवला ने अपना मिक्सर जार है मैंने ट्रांसफर कर लिया हूँ। इन्हीं साथ मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हूँ जिन्हें साफ धोना छिलको निकाल लिया हूँ और भी मैं डालती हूँ, और बड़ा बड़ा तोड़ने जिन मैंने डाल दिया बोले। अब इन पीसन वास्ते थोड़ा सा इन मैंने अपना बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। अब इन्हें अपना पीस ले, अब इन्हीं खाते अपन 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हुई हाँ ये भी डाल दें। आप लहसुन नहीं खाता हुआ तो आप स्किप कर लीजिए। 2 मैं मिर्ची ली हुई हूँ ये भी काट नहीं मान डाल दें। तीखोपन आप हिसाब कम ज़्यादा कर सको, आपने ज़्यादा तीखी चटनी पसंद हुआ तो आप ज़्यादा मिर्ची डाल सको। आधा छोटा चम्मच वैसे इन मैंने अपना नमक डाल दें, जो रोज़ अपना नमक खावा जो इस नमक है आधा छोटा चम्मच वैसे अपना काला नमक डाल दें, 1 छोटा चम्मच वैसे अपना जीरा पाउडर डाल दें, थोड़ा मैं पुदीना लिया हूँ लगभग 1 कप वैसे यही मैं डाल दें, 1 कप वैसे ही मैं धाना लिया हूँ ये भी मैं डाल दें। अब इन मैंने पा थोड़ा बर्फ़ डाल दें, बर्फ़ का टुकड़ा डाल डाला, बर्फ़ का टुकड़ा डालने का कारण हो जाया करे चटनी पानी हरी रहा करे। इन तरह बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें। लास्ट में इन मैंने थोड़ा सा अपन नींबू रस डाल दें, 1 नींबू रस लियो मैं और मैं डाल दें। कहीं यूँ तो आंवला मान खटाई होया करे पर आंवला की खटाई थोड़ी कसैली होया करे, तो नींबू रस डालने से वो खटाई एक बैलेंस हो जाला तो खाने मायने अच्छा लगेगा। आ चटनी अपना देखो बहुत ही अच्छी पीसी इसने तैयार हो गई है, इतनी मई चटनी है और एकदम ग्रीन चटनी लाग रही है। देखो बर्फ़ डालने से कही है मिक्सी गर्म नहीं होया करे, मिक्सी गर्म वजह अपना धाना है क्या थोड़ा काला पड़ जाया करे, तो बर्फ़ डालने से धाना काला नहीं पड़े एकदम हरी चटनी रहे। इन टिपर आप जरूर ध्यान रख जो। अब इन चटनी ने अपना लॉन्ग टर्म वास्ते स्टोर करनी हुए कि आप साल भर तक आ चटनी खा सको, क्योंकि साल भर तो आंवला मिलना नहीं, तो आंवला सीजन में मैंने आप चटनी बनाना स्टोर करने रख सको। तो मैं आइस ट्रे ली हुई हूँ, आइस ट्रे में मैंने थोड़ी थोड़ी चटनी डाल दी हूँ, सब खंडा पाना भर दी होना। मैं पूरी ट्रेन आप भर ली हाँ भरियारा पचा अपन थोड़ा सा कही इन तरह कर ली होना, इन्हों कही पूरी सेट हो जाला अच्छी तरह। अब इन्हें पा फ्रीजर में रख दे, फ्रीजर में रखा लगता 2-3 घंटा रहा मैंने जम जावेला, तो इन तरह जमिया रहे पचे अपन है इन्हें क्यूब ना निकालना लीक टाइट डब्बे में भरना है फ्रीजर में रख दे होना है। जरा भी आप रखाना मन करे 10-15 मिनट पहले निकालना रख दीजो तो चटनी अपने अच्छी पिघल जावेला। इन तरह आप आंवला की चटनी का फायदा पूरे साल ले सको। तो आपने दो ही रेसिपी रे मानो किसी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइजो। मिला सा बेरड़ी दूजे वीडियो रमाइने, जब तक राम राम सा।